नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई बेस्ड जितने भी, उनमें स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, क्या प्रोसेस रहती है इसकी। और इस वीडियो में आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित टॉप 10 वो क्वेश्चन, वो प्रैक्टिकल बताए जाएंगे जो स्किल टेस्ट की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सो कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देखना। इस पूरी वीडियो में 10-15 मिनट की जितनी भी होगी, केवल स्किल टेस्ट के बारे में बात होगी, टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में जो आईटीआई पर आधारित ऑल इंडिया में होते हैं उनके बारे में। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जब आपको पसंद आ जाए तो। पूरा देखना, पसंद आएगा उसके बाद ही लाइक करोगे, पता है। कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कोई भी सवाल आपका और रह जाए जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उन सभी कमेंट्स का एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। और ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि आईटीआई बेस्ड जो स्किल टेस्ट होता है उसमें, देखिए वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो स्किल को हिंदी में बोलते हैं दक्षता, यानी ओवरऑल कम्प्लीटली ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल पर डिपेंडेड होता है। इसमें ये देखा जाता है कि आपको फिजिकली यानी प्रैक्टिकली फेज न्यूट्रल जोड़ना आता है कि नहीं, या केवल थ्योरेटिकल ही आता है, समझ रहे हैं। फेज न्यूट्रल का मतलब क्या है कि भाई हमें सर्किट में हमें पता है फेज कहाँ से होते हुए जाएगा, न्यूट्रल पता है हमें कहाँ से जाएगा थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकली एक सर्किट में फेज और न्यूट्रल कैसे पहुँचाने हैं, क्या हमें ये भी आता है कि नहीं। यानी कम्प्लीटली मैं स्किल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो जिन्होंने भी रेगुलर आईटीआई की है उन सबको पता होगा, आईटीआई में जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं 3 दिन चलते थे पहले, तो आजकल तो पता नहीं एक एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। उन प्रैक्टिकल टेस्ट की जो बात मैं करूं तो सेम वो स्किल टेस्ट ही था, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उसका आपको रिटन में भी देना होता है और प्रैक्टिकल भी करके देना होता है। तो ठीक यही चीज़ अपने यहाँ स्किल टेस्ट में भी होती है, बट इस स्किल टेस्ट में क्योंकि ये एक ही दिन का होता है मोस्टली, इसलिए उसमें आपको केवल एक ही प्रैक्टिकल करने को दिया जाता है। किस तरह के प्रैक्टिकल दिए जाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। करना क्या होता है स्किल टेस्ट में, स्किल टेस्ट में पर स्टूडेंट 1 या 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि पूरी तरह कम्प्लीटली होता है। इसके लिए एक आपको साथ में पेज भी दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन लिखकर दे दिया जाएगा, एक पेज दे दिया जाता है। ये मैं बता रहा हूँ DRDO के जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में जो हुआ था उसके बारे में, कौन कौन सी ट्रेड में होता है उसके बारे में बात करूँगा, डिपार्टमेंट्स जो जिनमें प्रैक्टिकल लिया जाता है ना। तो 1 या 2 क्वेश्चन दे देते हैं और आपको क्या करना होता है, सबसे पहला कि उसका आपको कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाना होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और बस ये सर्किट डायग्राम ही आपका प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को अच्छे से सर्किट डायग्राम बनाना आता है ना, वो आराम से प्रैक्टिकल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, कभी प्रैक्टिकल गलत नहीं होगा। मतलब आपको अगर थ्योरेटिकल पता है ना कि स्विच में फेज कहाँ जाएगा, न्यूट्रल बोर्ड में कहाँ जाएगा, तो प्रैक्टिकली कभी गलत नहीं होगा वो, हमने ऐसे ही किया है और हर चीज़ें सक्सेस होती है। बेसिक जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें माइंड में रखना, कभी गलत नहीं होगा। सर्किट डायग्राम बनाना है, प्लस आपको इसका पूरा कंप्लीट मेथड लिखना होता है कि विधि क्या है, हम क्या क्या करेंगे, इसके लिए आपको किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या क्या इसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो कंप्लीट आपको इसमें लिखना होता है। सर्किट डायग्राम, टूल्स, मटेरियल्स जो भी चाहिए एंड मेथड उसका, ठीक है। ये चीज़ें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की मैं बात करूं
कोई किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं होता। जनरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने भी है स्टेट के, उनमें प्रैक्टिकल टेस्ट स्किल टेस्ट नहीं होता। स्किल टेस्ट ज़्यादातर वो लेते हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, PSU बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है उनमें। सबसे इम्पोर्टेंट, या जैसे मैं बात करूँ तो इसरो में, DRDO में, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा है जिनमें स्किल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद में स्टील की जितनी भी वैकेंसी होती है ना, चाहे सेल बोकारो हो, दुर्गापुर हो, इवन टाटा स्टील में भी लेते हैं। तो सेल जो है इसरो, DRDO और NPCIL, जैसे अभी सेल दुर्गापुर और NPCIL राजस्थान जो राउत भाटा वाला है, इनमें एग्ज़ाम डेट आ चुकी है स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पर मोस्टली ये डिपार्टमेंट है जिनमें आपसे प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट लिया जाता है। वैसे NCL में भी होता है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये आपकी कुल मिलाकर के इन डिपार्टमेंट में होती है। बेसिक स्किल टेस्ट की बात समझ में आ गई ना, होता क्या है। ठीक है, आ जाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रैक्टिकल बताता हूँ जिनके सवाल पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई सबसे पहला आता है, इसको आप वाइंडिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो, वैसे 3-फेज मोटर का होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर यही सवाल आएगा, ध्यान रखना, 3-फेज इंडक्शन मोटर होगी और वो भी केज टाइप ज़्यादातर होती है। ध्यान रखना, मोस्टली फैक्ट्रीज जितनी भी होती है ना, उनमें केज टाइप मोटर ही है। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ऐसे हैं जहाँ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है, जैसे क्रेन और होस्ट होती है ना, उनमें स्लिपरिंग मोटर होती है, तो वो खैर बहुत कम होती है। अपना इतना बड़ा प्लांट है ना, बड़ा प्लांट है, इसमें भी एक या दो जगह स्लिपरिंग मोटर है। 3-फेज इंडक्शन मोटर में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये मोटर सही है कि नहीं, चेक करके बता दो, हो सकता है इतना ही पूछे बस। अब सही है कि नहीं, इसके लिए फिर आपको दो चीज़ें करनी होती है, ध्यान रखना। एक तो होता है इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी को ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है इसकी मेगर वैल्यू, IR बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये दो टेस्ट एक मोटर को चेक करने के लिए, एक वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए करने होते हैं आपको, और बताना होता है कि सही है कि नहीं। इन पर मैं प्रैक्टिकल का वीडियो डालूँगा, ठीक है, आपको मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा कैसे कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर से कर लो, मेगर से भी हो जाती है कंटिन्यूटी टेस्ट, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेगर और मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी टेस्ट हो जाता है, मोटर सही है या नहीं है कैसे बताएंगे, तो अपने पास दोनों है, डिफेक्टिव मोटर भी है और गुड कंडीशन में मोटर भी है। मैं दोनों प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, उसके लिए जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा भाई 3-फेज मोटर के कनेक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3-फेज मोटर टेस्टिंग है पहला तो, या 3-फेज मोटर वाइंडिंग टेस्टिंग बोल सकते हो आप, है ना। दूसरा है 3-फेज मोटर कनेक्शन, 3-फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन है तो ये भी आते हैं दो तरह से, या तो आपको DOL स्टार्टर के साथ जोड़ना होगा या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ जोड़ना होगा। इन दोनों में से ही आता है प्रैक्टिकली, जहां भी मोस्टली अपन देखते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, कम समय में आपसे प्रैक्टिकल वो करवाना चाहें तो DOL स्टार्टर ही देंगे, और हो सकता है स्टार डेल्टा भी दे देंगे, दोनों में फ़र्क है। प्रैक्टिकल इसका भी मैं करके दिखा दूंगा, अपने पास दोनों स्टार्टर अवेलेबल हो जाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर तो नहीं है, बट टाइमर और वो कॉन्टेक्टर है जिनसे उसमें चेंजिंग आती है। भाई नंबर 3 जो आपका सवाल आता है वो आता है वायरिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। और वायरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो स्टेयरकेस, स्टेयरकेस समझ गए क्या, सीढ़ियों की वायरिंग जो 2-वे स्विच वाली होती है ना, वो जीने का परिपथ बोलते हो ना हिंदी में, वो वाली वायरिंग, ठीक है। क्या बोलते हो हिंदी में, जीने का परिपथ, ठीक है, सीढ़ियों की वायरिंग बागड़ी भाषा में। 2-वे स्विच लगते हैं, एक इधर एक इधर, है ना, सर्किट डायग्राम बनवाया हुआ है पहले मैंने, बहुत बार बनवाया हुआ है, ठीक है। सेकंड आता है, एक लैंप को ले लो या एक इक्विपमेंट को ले सकते हो, अनेक स्थानों से कंट्रोल करना,
अनेक बोलें तो तीन या तीन से अधिक स्थान कंट्रोल, तो इसके लिए बीच में इंटरमीडिएट लगेगा, फर्स्ट और लास्ट टू वे स्विच होंगे, बात खत्म। टनल वायरिंग का क्वेश्चन आ सकता है और गोडाउन वायरिंग का आ सकता है। वायरिंग वाले में चार सबसे इम्पोर्टेंट है ये, स्टेयरकेस, एक लैंप को तीन या तीन से अधिक जगह से कंट्रोल करना, और टनल और गोडाउन वायरिंग, गोदाम वायरिंग बोलते हैं ना हिंदी में। इनके प्रैक्टिकल मैंने करवाए हुए हैं, मतलब थ्योरेटिकल बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वायरिंग वाले में इसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है भाई इंस्ट्रूमेंट में से, इंस्ट्रूमेंट में से बहुत साधारण है एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर के कनेक्शन किसी लोड के साथ, ठीक है। कोई भी छोटा लोड, सिंगल फेज का लोड दे सकते हैं, जैसे हीटर दे दिया और उसके साथ बोले जोड़ दो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, और हो सकता है कि आपसे उसका कैलिब्रेशन भी करवा ले। कैलिब्रेशन का मतलब वी इंटू आई करोगे तो वाट मीटर की रीडिंग के बराबर आ जाए, वाट मीटर वाली रीडिंग में वोल्टेज का भाग दो तो करंट जितना आ रहा है वो बराबर आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये आपसे एक प्रैक्टिकल यहाँ से करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है पांचवा, वो आएगा आपका ट्रांसफॉर्मर से संबंधित। ट्रांसफॉर्मर में प्रैक्टिकल कम है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। वैसे प्रैक्टिकल इसकी चार चीज़ें ज़्यादातर आती है, एक तो इसका टेस्टिंग, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पहला पॉइंट। सर्किट डायग्राम बनवा सकता है, करवा भी सकता है, छोटा सा होता है, और जहाँ तक मेरा मानना है शॉर्ट सर्किट फिर भी नहीं करवाएगा, ओपन सर्किट ही करवाएगा। फिर भी ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर करोगे तो आपको एक वेरिएक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वोल्टेज के मान को हमें आवश्यकता अनुसार इंक्रीज करना होता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद इसमें से और इम्पोर्टेंट में क्या रहता है, पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है वो, जैसे ब्रीदर हो गया, कंजर्वेटर हो गया, एंड प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग पहचान करो, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, एंड CTPT के बारे में, ठीक है। CTPT का प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा, बहुत कम चांसेज है कि प्रैक्टिकल में वो पूछे ना। एंड सिक्स क्वेश्चन जो आता है वो आएगा DC मोटर का। DC मोटर में ध्यान रखना, सवाल सबसे ज़्यादा संट मोटर का ही आएगा, बहुत कम चांस है कि सीरीज मोटर के बारे में आए, ठीक है, बहुत कम चांस है सीरीज मोटर के बारे में आए। हाँ, क्यूमुलेटिव कंपाउंड के बारे में आ सकता है ज़रूर, पर ज़्यादा संट मोटर का ही आएगा, तो आसान सा ये कर दोगे। स्टार्टर के साथ जब भी आएगा तो 3 पॉइंट ही आएगा, यानी संट मोटर, 3 पॉइंट, स्टार्टर, दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों के आते हैं। एंड उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हम चलें तो ब्रिज रेक्टिफायर सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकली। कौन सा होता है भाई? ब्रिज रेक्टिफायर, और हो सकता है कि विद फिल्टर बनवा दिया जाए आपसे, ठीक है, तो थ्योरेटिकल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर विदाउट फिल्टर ही होगा। खैर, फिर भी कोशिश करके जाना अपना बेटर देने की कि दोनों पढ़ के जाओ, लेकिन साधारणतः ब्रिज रेक्टिफायर बनवाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए हमें हाँ छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी सारे इसको समझ रहे हो ना, आ जाओ फिर, साथ बता दिए ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली, इनका बहुत रोल रहता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो भाई, आठवां जो आता है वो तब आता है जैसे MES में आप जॉब लग जाते हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में या नेवी में, सिविलियन सर्विस जहाँ भी लग जाते हैं ना, मतलब एज ए इलेक्ट्रीशियन, तो वहाँ पर आपसे ज़्यादातर क्या करवाया जाता है पता है? ट्यूबलाइट के कनेक्शन, हाँ बिल्कुल, स्विच बोर्ड के कनेक्शन, क्योंकि यही चीज़ें आती है भाई MES में। जैसे आप लग जाते हो ना, तो जो एम्प्लॉयज़ है उनके घरों के फॉल्ट आपको शूट आउट करने होते हैं, है ना, हाँ, स्विच बोर्ड, सीलिंग फैन, इनके कनेक्शन, तो ये एक प्रैक्टिकल और बनता है, ठीक है। इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको एज ए सिविलियन कहीं सर्विस मिलती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, नेवी में, इस तरह के डिपार्टमेंट में जब भी मिलती है आपको सर्विस। एंड फाइनली भाई नौवां सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्टेक्टर। माई डियर,
ये कॉन्ट्रेक्टर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत रोल रखता है, ठीक है। और इसमें भी NONC, इसका प्रैक्टिकल एक वीडियो दे दूंगा मैं आपको, अपने पास है, कैसे होल्ड होता है NONC, कैसे चेंज ओवर होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल का कैसे पता करें, किस वोल्टेज रेटिंग की होती है, वो सारा मैं कंप्लीट आपको एक इसका प्रैक्टिकल वीडियो दे दूंगा। एंड उसके बाद प्रैक्टिकली जिन चीज़ों की बहुत रोल रहता है ना, वो है टाइमर, रिले, जैसे थर्मल ओवरलोड रिले हो गई, साथ में और भी प्रोटेक्टिव रिले होती है, एंड SFU, स्विच फ्यूज यूनिट, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ कहीं भी जॉब लग जाती है तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं काम करना पड़े, प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपके सामने आती है ना। तो आई होप कि आप इस स्किल टेस्ट को अच्छे से समझ पाए हैं और इन 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को।